देखिए, लोकसभा चुनाव परिणाम आने और एनडीए की जीत के बाद सभी के जहन में यह सवाल जरूर है कि मोदी कैबिनेट में इस बार किन किन चेहरों को जगह मिलने जा रही है। लिहाजा हरियाणा में जल्द ही विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं, ऐसे में हरियाणा को मोदी मंत्रिमंडल में कितना प्रतिनिधित्व मिलता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। ऐसे में नजर डालते हैं हरियाणा से चुनकर आए बीजेपी के 5 सांसदों के प्रोफाइल पर और समझने का पूरा प्रयास करते हैं कि किसकी कितनी मजबूत दावेदारी है। नजर डाल लेते हैं करनाल से सांसद मनोहर लाल, 9.5 साल हरियाणा के सीएम रहे, पार्टी ने करनाल से इन्हें मैदान में उतारा है, पीएम मोदी के करीबी भी माने जाते हैं। मनोहर लाल पीएम मोदी की गुड बुक में शामिल, मनोहर लाल को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। करनाल में 2,32,500 के मार्जिन से इन्होंने जीत हासिल की, 9.5 साल हरियाणा के सीएम रहे, पार्टी ने करनाल से मैदान में उतारा, पीएम मोदी के करीबी हैं। फरदाबाद से सांसद कृष्ण पाल गुर्जर, फरदाबाद से तीसरी बार सांसद बने, पिछली बार के मुकाबले मार्जिन कम, साल 2019 में हासिल की थी देश की तीसरी सबसे बड़ी जीत। गुर्जर समुदाय से आते हैं, पहले 2 कार्यकाल में मंत्री बने, 1,72,914 मार्जिन से गुर्जर की जीत हुई है। फरदाबाद से तीसरी बार सांसद बने, गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह जिन्होंने चौथी बार जीत हासिल की है, बीजेपी से सांसद बने हैं, 3 बार ये ऑलरेडी रह चुके हैं सांसद, यादव समुदाय से आते हैं, पिछले दोनों कार्यकाल में मंत्री रहे। अहिरवाल में 14 विधानसभा सीटों पर इनका दबदबा, दक्षिणी हरियाणा में मजबूत पकड़, लगातार चौथी बार गुरुग्राम से जीत हासिल की। कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल, कुरुक्षेत्र से सांसद बने, वैश्य समुदाय से आते हैं, देश के बड़े कारोबारियों में से एक नवीन जिंदल 29,021 मार्जिन से जीते। कुरुक्षेत्र से सांसद बने, वैश्य समुदाय से आते हैं, देश के बड़े कारोबारियों में से एक महेंद्रगढ़ भिवानी से धर्मवीर सांसद तीसरी बार सांसद बने हैं, जाट समुदाय से आते हैं, जाट समुदाय से 41,510 मार्जिन से जीत हासिल की। भिवानी महेंद्रगढ़ से लगातार तीसरी बार सांसद बने,